अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 96। और आज के इस लेसन में हम लाइट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट किस तरह डालते हैं। शेडो, सन एंड लोकेशन, इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। ऑटो कैड को ओपन किया और मैं इस ड्राइंग को यहाँ से क्लोज करके एक नई ड्राइंग ओपन करता हूँ। न्यू ड्राइंग्स ओपन की और यूनिट सेट करता हूँ यू एंड एंटर। आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ओके। और यहाँ से स्क्रीन में जाता हूँ, रेक्टेंगल का साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। रीजन कमांड अप्लाई करता हूँ तो आ रही जी। और इसको मैं यहाँ से 2D की जगह में ये इलास्टिक फ्रेम में लेके जाता हूँ और इसके ऊपर मैं मटेरियल ब्राउज करता हूँ, मटेरियल अप्लाई करता हूँ। तो मटेरियल के लिए एम में एंटर करके मैं मटेरियल अप्लाई करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, स्मॉल सा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, बॉक्स ही ड्रॉ करता हूँ जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम करूँगा। ओके, इस बॉक्स को मूव करता हूँ। क्लिक करें और इसको मूव करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल पहले इस पोजीशन मूव करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ इसको। तो ऐसे इसको देखता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाने मैंने, ये शेडो में भी आपको नज़र आए, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ओके। और अब मैं यहाँ से इस व्यू में आता हूँ, एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू में आता हूँ और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करता हूँ इसको और इसको थोड़ा सा इस साइड में मूव करता हूँ। रफ प्रेस करता हूँ ताकि ओके। अब मैंने पहले देखता हूँ, ओके। मटेरियल अप्लाई करने के लिए मैं मटेरियल लिखता हूँ एम ए टी और मटेरियल्स, एंड मैं इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला मटेरियल अप्लाई करता हूँ और अपने बॉक्स के ऊपर ये वाला मटेरियल अप्लाई करता हूँ। यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट के लिए यूज के एंटर, तो क्लोज करता हूँ, यूज सी एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। इसके ऊपर मटेरियल कोई और अप्लाई करता हूँ क्योंकि ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, और मटेरियल में इसके ऊपर जो अप्लाई करता हूँ वो जी मैं करूँगा कोई नॉर्मल सा ये वाला मटेरियल अप्लाई करके देखता हूँ। सही है ये वाला मटेरियल, इसके ऊपर ये वाला करता हूँ, ओके। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, जूम करता हूँ, ओके। अब इस पर थोड़ा सा काम करना है। काम क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे विजुलाइज में क्लिक जाना है और यहाँ से मैं इसको सन स्टेटस पे क्लिक करना है। तो अब सन स्टेटस करके तो मैं इसको रेंडर करता हूँ, तो रेंडर में आप देखें आपके पास ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहा है और इसमें देखें आपके पास हल्का सा शेड, और यहाँ पे सूरज की वजह से आपको शेड यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं। अब ये शेडो आपने नहीं देना, तो अब नो शेडो पे क्लिक करें तो हमारे पास शेडो नहीं रहेगा। सन स्टेटस को ख़त्म करता हूँ मैं, तो आप देखिएगा रेंडर करता हूँ तो इसमें शेडो आई थिंक नहीं आएगा, नहीं आ रहा जी शेडो, देख सकते हैं, ओके।
धूप में कैसा नजर आएगा, धूप के अलावा कैसा नजर आएगा, आपको इसकी समझ आ गई होगी। धूप में आपको ये वाला इसका पैटर्न भी नजर आता है, उसके अलावा नहीं आता। तो यहाँ से आप इसमें, मैं फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडेड शेडो पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें नीचे शेडो इसके ऊपर आ गया, अप्लाई हो गया। अच्छा, शेडो के बाद आपके पास यहाँ पे और भी शेडो है, फुल शेडो पे क्लिक करें, फुल शेडो हमारे पास आ जाएगा। और फुल शेडो के लिए मैं रेंडर करता हूँ, देखता हूँ कैसा लगेगा। देख सकते हैं ये नीचे हमारे पास शेडो है और साइड पे शेडो आपको नजर आ रहा है, तो ये शेडो का फंक्शन है। और अगर आप ग्राउंड शेडो पे क्लिक कर दें, ग्राउंड शेडो रेंडर करके देखें, तो आपके पास सिर्फ यहीं पे शेडो आपको नजर आएगा, देख सकते हैं ग्राउंड में भी आपको शेडो नजर आ रहा है। ओके, तो ये था जी शेडो। शेडो नहीं लेना तो आपने यहाँ पे नो शेडो पे क्लिक करना, तो शेडो ऑफ हो जाएगा। अब लाइट के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो लाइट के लिए मैं शेडो भी देता हूँ, एक ग्राउंड शेडो। अच्छा, लाइट्स आपको स्टूडेंट्स बताता चलूँ कि लाइट जो होती है आपके एक बंद एरिया में, आपका अगर फॉर एग्जाम्पल रूम बना हुआ है तो उस रूम में आप लाइट के इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको लाइट जो है, तो एक रूम या एक कंप्लीट एक बिल्डिंग्स के अंदर और एक रूम्स के अंदर, अपने हाउस के अंदर हम लाइट्स अप्लाई करके देखेंगे तो आपको सही लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको लाइट समझाने के लिए कि लाइट्स पे कैसा काम होता है, तो आपको यहाँ पे लाइट समझा देता हूँ। लेकिन जब हम सही जो लाइट्स अप्लाई होगी जिसमें सही इफेक्ट नज़र आएंगे, वो एक रूम में एक क्लोज एरिया में आपको सही नज़र आएंगे। तो लाइट्स हमारे पास चार टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लाइट, तो पॉइंट लाइट होती है आपके जो होती है, आप कुछ एरिया को फोकस करने के लिए पॉइंट लाइट यूज़ करते हैं। तो पॉइंट लाइट के लिए मैं यहाँ पे मैं इस कॉर्नर पे देखता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, इस पॉइंट में मैं इसको पॉइंट लाइट अप्लाई करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मैं देखता हूँ मेरे पास पॉइंट लाइट कहाँ गई है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ मैं। ओके, और अब मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ, रेंडर करता हूँ। तो अब देखें और हर जगह पे अंधेरा है और आपकी लाइट यहाँ पे अप्लाई हो रही है। लेकिन अब इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे और मूव करता हूँ नीचे, ओके। अब मैं देखता हूँ इसको लाइट्स रेंडर करके, अब देखें इसके ऊपर ये लाइट आपको नजर आ रही होगी, पड़ रही है कॉर्नर में, देखें तो आपको लाइट नजर आ रही होगी। इसमें थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ, रेंडर करता हूँ, क्योंकि आप देखें तो आपके ओपन जो जगह होती है उसमें लाइट जो होती है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे लाइट नज़र आ रही होगी, इस एरिया में आपको देखें लाइट आपको नज़र आ रही है, इसे पड़ती हुई देख सकते हैं। तो ये लाइट का फंक्शन है यहाँ पे, और यही लाइट अगर आप और ज़्यादा नीचे लेके जाएंगे तो आपको और ज़्यादा नज़र आएगी। अब मैं देखता हूँ, तो ये जब हम क्लोज पाथ पे काम करेंगे उसमें आपको सही क्लियर नज़र आएगा इस लाइट की फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको लाइट नज़र आ रही है, इस कॉर्नर में आपको ये लाइट नज़र नहीं आ रही क्योंकि इस पॉइंट में हमने ये लाइट दी नहीं है। अब यही लाइट अगर मैं इस सिर्फ इस कॉर्नर में लेके जाता हूँ, तो देखिएगा इसके लिए आप, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस लाइट को सिर्फ इस कॉर्नर में लेके जाता हूँ, देखिएगा आपको कहाँ कहाँ पे लाइट अप्लाई होगी। ओके, आप देखें
इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे इस साइड पे। अब देखिएगा यहाँ पे तो आपको लाइट देखेंगे, बिल्कुल ये एरिया आपको अंधेरे में नजर आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल अंधेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब सन स्टेटस को ख़त्म करके अब मैं देखता हूँ, तो देखें बिल्कुल अंधेरा है, टोटल टोटली अंधेरा आपको नज़र आ रहा है। जिस जिस एरिया में लाइट है तो उस साइड में आपको देखें लाइट नज़र आ रही है। और अब इसी अगर पॉइंट को, इसी लाइट को मैं यहाँ से मूव करता हूँ इस कॉर्नर में लेके आता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे कंप्लीट नज़र आ रही होगी सामने। तो देखिए इस कॉर्नर में आपके पास लाइट पड़ी हुई है, देख सकते हैं, जबकि उस एरिया में आपके पास लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये लाइट का फंक्शन होता है जी यहाँ पे। अच्छा अब इसी तरह दूसरी जो लाइट्स का एक और लाइट्स हमारे पास वो है जी आपके पास स्पॉट। स्पॉट का फंक्शन ये है कि आपकी ये जो लाइट है ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पॉट में कंप्लीट किसी एक एरिया में पड़ेगी। तो उसके लिए मैं ये वाली इसको डायरेक्शन देता हूँ और इस पॉइंट इस स्पॉट में मैं डालता हूँ लाइट को, एंटर करता हूँ और देखता हूँ मैं जी ये लाइट कहाँ पे पड़ेगी। सिर्फ इस एरिया में पड़ेगी, तो यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ क्योंकि मुझे सही नज़र नहीं आ रहा था, मैंने सही लाइट दी नहीं है। तो मैं इस लाइट को यहाँ से इस एरिया से डालना चाह रहा हूँ, इस एरिया से भी डालता हूँ और यहाँ पे इस कॉर्नर में, एंटर। ओके इस पॉइंट में पड़ रही है लाइट और यहाँ से इसका एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं और सारे काम प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं। तो रेंडर करके देखता हूँ मैं इसको। देखिए सिर्फ उस कॉर्नर में आपको देखें लाइट पड़ रही है, वो देख सकते हैं कोने में, सिर्फ उस कॉर्नर में पड़ रही है, इसकी छत वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रही आपको। देखें ये लाइट का फंक्शन है। और अगर यही लाइट आप और भी जगह पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं इस साइड से भी नज़र आए और इस साइड ऊपर से भी नज़र आए, तो ऊपर भी आप यही लाइट अप्लाई करें स्पॉट, या मैं इस साइड से मैं देता हूँ इस साइड से। एंटर करता हूँ, अब एंटर करता हूँ। दोनों साइड से आपको लाइट नजर आएगी। ओके नजर नहीं आ रही क्योंकि यहां से देखें तो ये इस एरिया में आपको नजर आएगी लाइट और ये भी आपको इसी एरिया में नजर आएगी। तो रेंडर करें, क्योंकि इसके अलावा दूसरे एरिया में नजर नहीं आ रही, देख सकते हैं आप यहां से। तो इन दोनों एरियो में आपको लाइट पड़ती हुई नजर आ रही है और उसके अलावा दूसरी साइड पे नहीं आ रही क्योंकि हमने दूसरी साइड पे इसको लाइट अफेक्ट दिया ही नहीं है। रेंडर करता हूँ, देख सकते हैं सिर्फ इन एरियो में आपको लाइट नजर आ रही होगी। थर्ड डायमेंशन में आप सामने यहाँ ऊपर भी देना चाह रहे हैं तो ऊपर के लिए मैं यहाँ से जो लाइट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये वाली पॉइंट लाइट लेता हूँ और मैं वो लाइट देता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट में, एंटर करता हूँ। अब देखते हैं एंटर करके, इस पॉइंट में पड़ रही है, ऊपर से नहीं पड़ रही। तो ऊपर से क्योंकि सही मैंने रखी नहीं है और ये जो लाइट है ऊपर वाली ये बहुत ज़्यादा ऊपर होगी, देखिए तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। ओके अब देखता हूँ,
तो देखें अब उस लाइट से देखें, यहाँ पे भी एरिया भी रोशन हो रहा है और ये छत भी रोशन हो रही है, देख सकते हैं। तो ये जी लाइट का फंक्शन है, आप यहाँ से लाइट का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैं अंदाजे के मुताबिक यहाँ ऊपर रखता हूँ, लेकिन जब आप रूम बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई कॉर्नर, कोई ना कोई जगह होती है जहाँ से आप ये लाइट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जी फंक्शन था जी लाइट का। तो लाइट में तीसरी जो लाइट होती है उसका क्या फंक्शन है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, इन जो लाइट, ये जो लाइट्स होती है, इसी प्रॉपर्टी में जाके आप इसके एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो एंगल किस तरह चेंज होता है वो भी बताता हूँ आपको। अब ये इसका एंगल है, ये ज़्यादा एंगल है, तो इसको चेंज करने के लिए आप व्यू में जाएँ। तो व्यू में आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो यहाँ से आप लाइन के एंगल, इंटेंसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आया हूँ मैं यहाँ पे। लाइट की प्रॉपर्टीज़ है, अब यहाँ पे शेडो ऑन ऑफ, शेडो यहाँ पे सीखें हर चीज़ है। एंगल 45 है, तो एंगल में इसका 30 करता हूँ, देखिएगा तो ये वाला एंगल इसका चेंज हो जाएगा, देखें 30 आ गया। और हॉर्स पावर एंगल वो 30 है, 50 है नीचे वाला, उसको भी 30 करता हूँ, वो भी 30 हो गया, देख सकते हैं। और यहाँ से इंटेंसिटी इफेक्ट है 1 है, तो इंटेंसिटी इफेक्ट आप इसका बढ़ा सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन 1 बहुत ज़्यादा होता है। ये इंटेंसिटी इसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसका डिस्टेंस कितना है लाइट और इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है। ओके, तो आप यहाँ से रेंडर करके देखें, तो आपको क्लियर नज़र आएगा, देख सकते, देखना, देखिए आपको सही क्लियर नज़र आ रहा है आपको ऑब्जेक्ट। तो ये इंटेंसिटी का फ़र्क होता है। तो ये स्पॉट्स लाइट्स और रियल, आप लाइट्स की एंगल और डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट जो लाइट का, लाइट आपके पास हुआ है जी डिस्टेंस, क्लिक करें इस पर, तो आप अपने लाइट्स के लिए ये डिस्टेंस दे सकते हैं, इतने डिस्टेंस पे लाइट हो। एंटर करता हूँ, देखता हूँ आप, और शिफ्ट को प्रेस करके इसको मूव करके देखता हूँ। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैंने ख्याल से मैंने दे दिया, लेकिन रेंडर करके देखता हूँ। तो ये लाइट्स अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन देखें जितने डिस्टेंस मैंने दिया तो उतनी डिस्टेंस में आपके पास लाइट्स आ गया, देख सकते हैं। और इसने शेडो भी यहाँ पे दे दिया उसके अलट, और अगर आप शेडो नहीं देना चाह रहे तो उसके लिए आप यहाँ से शेडो को ऑफ कर दें। ये शेडो है, ग्राउंड शेडो, इसको नो शेडो पर क्लिक करके आप रेंडर करें। तो ये जो लाइट थी, ये हमारे पास चाँद की लाइट है, जिस तरह चाँद की रोशनी पड़ती है वैसे आप यहाँ से लाइट दे सकते हैं कितने डिस्टेंस पे। ओके, तो शेडो यहाँ से, नो शेडो, सन स्टेटस ऑन है, ऑफिस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये जी हमारे पास सेकेंड लाइट है, आप यहाँ से देखें ये वाली लाइट है डिस्टेंस पे। और फोर्थ जो लाइट है वो वेब है, नेट से आप, इंटरनेट से आप ऑनलाइन आप लाइट्स या आप सूरज की रोशनी कैसे पड़ेगी इसके ऊपर, कैसा लगेगा आपका मटेरियल, तो आप यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एंटर, एंड अब मैं रेंडर करता हूँ, देखता हूँ। अब ये भी देखें रोशनी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, देख सकते हैं इसमें भी कंप्लीट डिटेल्स इसने दिखा दिया। तो ये आप जैसे जी लाइट्स के, आप किस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट पे लाइट्स लगा सकते हैं। तो लाइट्स के अलावा अब एक और चीज़ है जी आपके पास, सन स्टेटस बाद है बैकग्राउंड। देखें आप ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का क्या फंक्शन है, उसके लिए मैं इसको पॉइंट में लेके आता हूँ, राइट को डिलीट करता हूँ और उसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, और अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड का फंक्शन आपको समझाता हूँ। तो बैकग्राउंड में स्काई बैकग्राउंड पे क्लिक करें, तो इसमें आप देखें ज़रा, तो आपको यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड एक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, यही बैकग्राउंड आप यहाँ से जाएं जाके, तो आप इसको स्काई बैकग्राउंड एलिमिनेशन पे क्लिक करें तो इसकी एलिमिनेशन ऐसी आ जाएगी, और स्काई ऑफ करें तो आपको बैकग्राउंड ऑफ हो जाएगा। स्काई बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो स्काई बैकग्राउंड आ जाएगा, और उस बैकग्राउंड में आपने इसमें खुद भी बैकग्राउंड आप इंसर्ट करना चाह रहे तो उसके लिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे जो स्काई का ऑप्शन है वो बेसिकली उसी बैकग्राउंड के लिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप करें, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड टाइप क्या, ये स्काई का ऑप्शन है, देख सकते हैं सॉलिड स्काई है, ओके करें ना यहाँ पे। अब ये देखें ये हम बस स्काई का एक ऑप्शन है और बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। अब यही जो बैकग्राउंड है इसके लिए आप दोबारा बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कोई पिक्चर मेरे पास हो तो बैकग्राउंड पे लगा सकता हूँ, बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप इमेज पे क्लिक करें, ग्रेडियंट भी है, इमेज है और सन एंड स्काई है, आप यहाँ से बैकग्राउंड दे सकते हैं। सन एंड स्काई पे क्लिक करके देखता हूँ, तो ये सन एंड स्काई बैकग्राउंड आ गया।
बैकग्राउंड, क्योंकि मैं एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड पे मैं अब इमेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करें और इमेज सेलेक्ट करें। मैं ये वाली एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, ओपन करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब इस बैकग्राउंड पे देखिएगा इमेज अप्लाई हो गई है। आप देख सकते हैं मेरे पास कंप्लीट एक इमेज अप्लाई हो गया इस बैकग्राउंड में, देख सकते हैं। ख़त्म करना चाह रहे हैं नो बैकग्राउंड तो उसका ऑफ कर दें, इमेज ऑफ हो जाएगी। लेकिन आपका कलर सही नहीं होगा, ब्लैक कलर था क्योंकि, वो नहीं आएगा। तो उसके लिए आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे बैकग्राउंड, और इस इमेज को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अगर इमेज नहीं है सॉलिड पे क्लिक करें और कलर इसका जो ब्लैक था वो कलर इसका ब्लैक कर दें बस। देखें जैसा कलर था वैसा कलर आ गया, या फिर आप कलर चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह की मर्जी है। लेकिन आप जो ही आप ऑफ करेंगे अपना सिस्टम तो आपका जो कलर होगा वो स्काई बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, स्काई नहीं है, स्काई बैकग्राउंड एलिमिनेशन पे क्लिक करता हूँ, ये आ गई, और स्काई ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं और कलर को चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ कलर वापस चेंज नहीं आ रहा था, क्लोज करें नो एंड दोबारा इसको ओपन कर लें तो आपके पास दोबारा अपनी उसी डिफॉल्ट पोजीशन में आपकी ड्राइंग्स आ जाएगी। देख सकते हैं ड्राइंग आपकी डिफॉल्ट पोजीशन में आ गई है। तो ये था जी आपका आज के लेसन में, हमने शेडोज़ वगैरह और लाइट्स और बैकग्राउंड, स्काई बैकग्राउंड, या आप अपने ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे बैकग्राउंड कैसे दे सकते हैं इसके ऊपर डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।